नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड में कई सारे अभिनेता या अभिनेत्री ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी शादी ना करने का ड्रामा करते रहते हैं और जिन्होंने बॉलीवुड को पूरी दुनिया में शर्मसार करके रख दिया है। बॉलीवुड के ये दिग्गज हर रोज अपने शरीर की भूख को शांत करने के लिए किसी न किसी नए शिकार की तलाश में रहते हैं जिससे कि वे उसके साथ रात बिता सकें। बॉलीवुड के एक ऐसे ही बेशर्म अभिनेता के बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं जिसने पूरे बॉलीवुड को अय्याशी का अड्डा बनाकर रख दिया है। बॉलीवुड में एंट्री करने वाली हर एक अभिनेत्री को ये अभिनेता अपनी हवस का शिकार बनाकर ही दम लेता है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान के बारे में जिन्होंने ऐश्वर्या राय से लेकर कैटरीना कैफ तक को अपने शरीर की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल किया है और इन अभिनेत्रियों ने भी खुशी खुशी सलमान खान के लिए हर वो काम किया है जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। बताया जाता है कि कैटरीना कैफ तो दो बार सलमान खान के बच्चे को गिरा भी चुकी है। सलमान खान की जिंदगी में कई लड़कियां आई और कई गई। ऐश्वर्या राय से लेकर कैटरीना कैफ तक जितनी भी प्रेमिकाएं सलमान खान की जिंदगी में प्यार का पैगाम लेकर आई वे सभी बाद में अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को लेकर सलमान खान की जिंदगी से चली भी गई। कहा जाता है कि सलमान खान की सभी प्रेमिकाएं उनके गंदे बिहेवियर का शिकार हो चुकी थी, इसीलिए एक एक कर सलमान खान की सभी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़कर किसी और का दामन थाम लिया। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड और फिल्म एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की। जी हाँ, सलमान खान की सभी गर्लफ्रेंड्स में से केवल कैटरीना कैफ ही ऐसी हीरोइन रही हैं जिन्होंने सलमान खान के गंदे बिहेवियर का ज्यादा दिनों तक सामना किया। खैर, प्यार में तो कैटरीना ने सलमान खान के हर रवैये को सहा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक एक्टर की वजह से कैटरीना कैफ सलमान खान के हाथों खूब मार खा चुकी हैं। 2008 में आई फिल्म वेलकम में कैटरीना और अक्षय की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। फिल्मी पर्दे पर इस जोड़ी को देखकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी। अंदाजा तो यहां तक लगाया जा रहा था कि अक्षय और कैटरीना के बीच रियल लाइफ में भी कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। इस तरह की खबरों को सुनकर सलमान काफी नाराज हुए। उन्होंने कैटरीना को अक्षय के साथ फिल्म में न करने को कहा, लेकिन लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने वाली कैटरीना कैफ ने सलमान खान की बातें नहीं मानी। जब कैटरीना कैफ की अगली फिल्म नमस्ते लंदन आई तब गुस्से में आकर सलमान खान अपना आपा खो बैठे और कैटरीना को ढूंढते फिल्म सिटी पहुंच गए जहां कैटरीना शूटिंग कर रही थी। फिल्म के सेट पर पहुंचने के बाद जब सलमान खान को पता चला कि कैटरीना अपनी वैनिटी वैन में मौजूद है तो फिर क्या था, सलमान सीधे वैनिटी वैन में पहुंच गए जिसके बाद वैनिटी वैन से कैटरीना के चिल्लाने और थप्पड़ों की आवाज बाहर आने लगी। जब कुछ देर बाद आवाज शांत हुई तो सलमान खान गुस्से में वैन से बाहर आ गए और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। उनके जाने के कुछ देर बाद कैटरीना कैफ भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर वैन से बाहर आ गई और बिना किसी को कुछ कहे चली गई। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं सलमान खान ने वैनिटी वैन में कैटरीना के साथ क्या किया था? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।